धात्मान मणिकांतम साधुमुक्तम मंगलम वंदे संदर्शिर्दर्थम संदर्शात्पकाशकम मंगलम भगवान भीरो मंगलम गोप्तम गणित मंगलम कुंदकुंदाचिवजयंता मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम ज्ञानम सर्वधर्मानां जयनम जयतु शासनम। देह को अपना मानने का दुष्परिणाम यह हुआ, आत्मा की चर्चा सुनते रहे और ये लगा किसी और की चर्चा है, उसका कोई असर ही नहीं हुआ। कभी मोह की मंदता में अच्छी बात है, बहुत कठिन है, शुष्क बात है, ऊंची बात है, लेकिन कभी ये लगाई नहीं, ये अपनी बात। देह को अपना मानने का सबसे भारी नुकसान ये हुआ, उसे ये नहीं लगा कि आत्मा की चर्चा माने मेरी चर्चा है, मैं अकेला हूं ये नहीं लगा। उलझ के रह गया उसी में, काय में, देह में। दो प्रकार की उलझन है, एक देह की अनुकूलता में किसी को गिना नहीं, अभिमानी मगन, उस देह को देख देख करके अभिमानी होता रहा, देह के हीन दशा जिसकी है उसके प्रति तिरस्कार भाव, गुनानी भाव, ये काला कलूटा कहां से आ गया, ये गरीब आदमी कहां से बगल में बैठ गया। देह को अपना मानने से आत्मा की चर्चा होने पर भी ये लगा ही नहीं है मेरी चर्चा है, ये मेरा स्वरूप है। भगवान को देखते हुए ये लगा कि हमारी कोई कामनाओं को पूरी करेंगे, देह को लगे रहो, ये नहीं लगा ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा साध्य है, ऐसी दशा मेरा साध्य है, ये मेरा स्वरूप है, ये भाषित ही नहीं हुआ। जैसे अपने को आत्मा अनुभवने वाले ज्ञानी जनों को, योगी जनों को शरीर भिन्न लगता है, अपना नहीं लगता, कभी लगता ही नहीं अपना है, जैसे कोई पड़ोसी हो, और पड़ोसी से बिगाड़ते नहीं है तो शरीर को भी बिगाड़ते नहीं है, द्वेष बुद्धि नहीं है, लेकिन उन्हें अपनापन नहीं लगता। शीलवती नारी को कोई सुंदर पुरुष को देख करके गुस्सा नहीं आती, ये कहां से आ गया, ये इतना सुंदर क्यों है, हाँ गुस्सा नहीं होती, बस राग नहीं आता, विकारी परिणाम नहीं होते। वह आगम दृष्टि से उस सुंदरता को असार देखती, आगम दृष्टि से सुंदरता को सुंदरता के सुंदर परिणामों का फल मात्र जानती है। और आपको ये भली प्रकार से जानना चाहिए, पुण्य के फल भी भोगने लायक नहीं, पाप का फल तो कोई भोगना चाहता ही नहीं है, कोई चाहता है हमें डंडे पड़े, कोई चाहता है हम जेल में जाएं, कोई चाहता है हम गरीब हों, नहीं कोई नहीं चाहेगा। पाप के फल को तो कोई भोगना ही नहीं चाहता, लेकिन ध्यान रखना पुण्य के फल भी भोगने लायक नहीं है। पुण्य के फलों को भोगने का फल अनंत रोग है, दुख है, संसार रूपी रोग। ये पुण्य का फल
खारे पानी के समान है, तृष्णा को निरंतर बढ़ाने वाले हैं। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। क्या करें, खाने पीने की जरा बनती नहीं है। अरे बनाए तो बनती है, नहीं बनाए तो कहां से बनेगी। और बढ़िया चर्चा करेंगे, अरस अरूपम गंधम अब्बतम आहा हा हा हा, बढ़िया बढ़िया। अब इसको विचार करो तो बनेगी। आत्मा पुद्गल द्रव्य से भिन्न है इसलिए अरस है, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न है इसलिए अरस है। बस पढ़ लिया और रस आसक्ति, रसना की आसक्ति छूट नहीं पाई। क्यों? उसका प्रयोग नहीं किया। बारस पत्थर होने पर भी लोहे की डिब्बी सोने की नहीं हुई, क्योंकि बीच में एक छोटा सा झीना सा आवरण था। ऐसे इन अध्यात्म सूत्रों को पढ़ते समय भी, सुनते समय भी, विचार करते हुए भी इन इंद्रियों के विषयों की आसक्ति नहीं छूटी। सत समागम छोड़ सकते हैं, लेकिन लेकिन बस अब क्या करें, बस ये कह दिया आगे क्या करें, तो बताओ क्या करें। यहां ठंड बहुत है, वहां तो सब इंतजाम है, कुछ इंतजाम नहीं काम देंगे। चक्रवर्ती के महल में भी असरण पना है जीव को, बहिरात्मा असरण है चक्रवर्ती के महल में भी, वहां तो सब इंतजाम है। और वे इंतजाम वाले ज्यादा बीमार होते हैं, बड़े बड़े इंतजाम है तो बड़े बड़े रोग हैं, बड़े बड़े पाप हैं उनके भीतर देखो तो। भ्रम है भ्रम। ये देह को अपना मानने का फल है, देह को अपना मानता है, आत्मा को अपना कहता है, फल काय का आएगा। देह को अपना मानता है और शरीर को अपना, वो शरीर को अपना मानता है देह को, और आत्मा को अपना कहता है, कहता है तो कह देता है, सुनता है तो सुन लेता है, पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनाता है तो सुना लेता है। कुछ निर्धार नहीं है। पंडित जी ने क्या लिखा, कुछ निर्धार नहीं। विभ्रम, विभ्रम शब्द का प्रयोग किया है। विभ्रम माने शब्द का अर्थ क्या है? विपरीत निश्चय हो जाना, विपरीत एक कोट ज्ञान, विपरीत निश्चय हो जाना, यही तो मैं हूं और का, यही तो हूं, हमारा नहीं तो कौन को है, हम देखा दें कौन ले को, हमारा ही तो है, लेकर दिखाओ तुम। ऐसी बातें करता है जैसे कोई हमारा हमारा हमारा, तेरा कहां से आया? शरीर गुबरीला, गुबरीला घोड़ा जो भीतर गोबर की डली लगाए बैठा है, उसका क्या फल आया कि फूलों के बगीचे में भी उसको सुगंध नहीं है, फूलों के बगीचे में भी उसको दुर्गंध आ रही है। देह को अपना मानने वाले जीवों को धर्मायतनों में भी पाप उत्पन्न हो रहे भीतर। याद आ रही है घर के, घर से घर पहुंच करके भगवान की याद आए कि ना आए, यहां आकर के घर की याद आने लगती। याद आ रही, बहुत दिन हो गए भूले ही नहीं पाए, और घर पे कई एक दिन भी याद नहीं आएगी।
भोजन सामने हो, भिन्न है वो तो नहीं, मिर्ची की याद आ रही है, मिर्ची नहीं है यहाँ, नमक नहीं है, घी नहीं है, बढ़िया बगाड़ नहीं है वो। ये विषयों की याद क्यों आती है? हमने आपको कहा था दुख सबकी याद दिलाता है, दुखी है ये जीव इसलिए याद आती है। अगर अपने सुख में मगन हो तो कौन की याद आएगी? आप क्या समझ रहे हो? सुकुमाल को, सुकुमाल को विशेष रूप से जाते ही श्यालनी भक्षण करने लगी, रास्ते में जाते ही खून टपकने लगा, वहां ध्यान में बैठते ही श्यालनी भक्षण करने लगी। वाह, इसको कहते हैं धर्म, वेद ज्ञान का फल। क्या घर की याद नहीं आई? चाहे तो घर ही अच्छे थे। हम कह रहे लड़की का विवाह हो जाए और जरा सी तकलीफ कोई हो जाए, या तकलीफ भी नहीं हो केवल कल्पना हो जाए, तो घर की याद आती। तो आजकल तो फोन ही लग जाते हैं, जैसे घर नहीं हुआ वैकुंठ हो गया, मोक्ष हो गया, घर की याद आती। क्यों? सुख की कल्पना। ध्यान रखना, जो हमें मिला है वह देव गुरु धर्म की भक्ति का फल है, श्रद्धा का फल है, व्यवहार नैतिक कह रहे हम। जो हमारी उलझने हैं वो हमारी विपरीत कल्पनाओं का फल है। जानबूझ के अंध भयो है, अंधा है नहीं, खिमाए बैठा है, सो नहीं रहा है। सोने का नाटक कर रहा है, सो नहीं रहा है। दुखी खबर नहीं है, दुखी का नाटक कर रहा है। जैसे बड़ा सेठ और भैया अब क्या करें, एक तो घाटो हो गो, ये हो गया वो हो गया, दान देने के लिए, संतोष से रहने के लिए, धर्म ध्यान के लिए 10 बहाने बनाएगा, लेकिन लेकिन अनुभव नहीं करेगा ये दुख है, दुख फंसेगा वहीं, वहीं फंसेगा, वहीं फंसेगा। देह को अपना मानने के कारण, देह के ही अंग हैं इंद्रियां, उन इंद्रियों के विषयों में सुख की कल्पना कर बैठा। इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना होने के कारण बाहर में उपयोग भ्रम गया। आपको एक लोक व्यवहार की बात बताएं, घर में जिन बच्चों को लाड़ प्यार नहीं मिलता है वे बच्चे बिगड़ जाते हैं, बाहर उल्टे फंस जाते हैं। हम तो ये कह रहे हैं अगर बाल बच्चों में नहीं फंसो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाल बच्चे हैं तो लाड़ प्यार से वंचित क्यों रखते हो उनको, जाकर के वहां दुख छोड़ दिया। अभी हम पढ़ रहे थे, तुम्हारी पत्रिका आई ना, इन संस्कारों का कितना दुष्परिणाम। शांति से सुनो, एक बेटी बड़े शहर में रह रही, सर्विस में, जॉब में, गांव में उसकी मां मरण हो गया, गांव वालों ने खबर दी और कोई था नहीं, सो बेटी को खबर दी कि भैया आओ अपनी मां का संस्कार करो और काम का। उसने वहां से कह दिया मां का संस्कार कर देना और बापे हमें दिखा दियो, बका हो संस्कार आप लोग कर देना और हमें वापस दिखाई दियो ऑनलाइन और उनकी जो अस्थियां हैं वो कोरिया से भेज दियो, कोरियर कोरियर कर दियो उनकी। एक लड़का विदेश में, अभी पढ़ते पढ़ते हम सोचते हैं हमने क्या संस्कृति आ गई, एक लड़का विदेश में, पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो आ गया,
फिर तबीयत ठीक हो गई फिर चला गया, फिर तबीयत खराब हो गई फिर आ गया, फिर तबीयत ठीक हो गई फिर चला गया। फिर तीसरी बार माँ ने फोन किया, बेटा पिताजी की तबीयत तो सीरियस है। अरे पिताजी को कुछ होता तो है नहीं, हमारा सब काम बिगड़ जाता है यहाँ ऑफिस, अब कुछ हो जाए तब फोन करना। ये हो सही नहीं है। इन बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, गांव के बच्चों को, सारे बच्चों को चेतना चाहिए मोबाइल गेम और मोबाइल से बचने की। ये मालूम है देह को अपना मानने का दुष्परिणाम है। देह को अपना मानने का दुष्परिणाम ये है, हम आपको फिर कह रहे हैं, देह भी नहीं मिलेगी ढंग की। देह को अपना मानने वाले जीवों को ऐसे पाप होते हैं कि देह भी ढंग की नहीं मिलती। एक देह में अनंत जीव, साधारण जीवों को जानते हो, साधारण और प्रत्येक दो होते हैं, साधारण जीव अनंत जीव, जनरल वार्ड तो अभी अलग अलग है, कम से कम बेड तो अलग अलग है, कमरा नहीं है वहां तो एक शरीर। देह को अपना मानने का दुष्परिणाम ये है, देह भी नहीं मिलेगी। आत्मा तो मिलेगा ही नहीं, और आत्मा को अपना मानने का ये ऐसा उत्तम फल है कि आत्मा तो मिलेगा ही, और जब तक देह मिलेगी तो उत्तम देह मिलेगी। मरण के समय भी तुमको दुखी नहीं होने देगा ये वेद विज्ञान। बीमारी की बात तो बहुत दूर है, मरण के समय भी दुख नहीं होने देगा। कहीं नहीं जा सकती। ये पूछ रहे हैं गुरु की महिमा कैसे। अरे एक लाइन में लिखी, आधी लाइन में गुरु की महिमा बरनी न जाए। आज हमारे पास जो है, बैठने को है, खाने को है, पहनने को है, ये सब अभ्युदय रूप फल है गुरुओं की महिमा, गुरुओं की सेवा विनय भक्ति का फल है, उससे उपार्जित पुण्य से मिला है ये सब। अगर गुरुओं की अवज्ञा करे, दया पुण्य न करे तो क्या होगा, क्या मिलेगा, सोचो। ऐसी चादर सबको नहीं मिली है, ऐसा हॉल बैठने को सबको नहीं मिला है, ऐसे सुनाने वाले और सबको नहीं मिले हैं, और ऐसे सुनने वाले सबको नहीं मिले हैं। आज हम बैठे सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, बताओ सबको नहीं मिले हैं, कितने फुटपाथ पर डरे बोलो। ये काय का फल है, ये गुरुओं की व्यवहार व्यवहार नैसी आज्ञा पालन करने का फल है। इतने इतने पानी को तरस रहे हैं। ध्यानतराज जी ने तो लिखा, रंचक श्वासन को तरसे हो, गर्भावस्था में श्वास के लिए भी कितनी परेशानी थी। शब्दों से सारी बातें नहीं आती, और वैसे इंद्रिय सुख में मगन भी रहे, सबरी व्यवस्थाएं भी अपनी बनी रहे, चाट पकौड़ी भी खाते रहे, और आत्मा का भी स्वाद आ ही गया हमें, बस अपने आ रहा, अब वो क्या करें। ये नीरस भोजन खपता नहीं हम, ऐसे हमारे रहा नहीं आता, और ये ऐसे पहनना फहनना हमको अच्छा नहीं लगता, और ये करना नहीं होता, और बता तो बता क्या करें, मर हो जा करके और कुछ नहीं होगा। जो होता है उसी विधि से होता है, उसी विधि से होता है। आंखें नहीं हो तो का है जो शरीर, बताओ का है। ऐसे ही हृदय में गुरु जिसके नहीं है, माथे जिसके गुरु नहीं है, क्या है बताओ। जिन पुराण सुने घुमाये नसीर, तो थोते नारेल शरीर।
उन क्रांतिकारियों को पढ़ो, उन देशभक्तों को पढ़ो, कितनी कितनी यातनाएं सहन कर ली, लेकिन देशभक्ति निकल गई क्या? देश निकल गया? नहीं निकला। रोंगटे खड़े हो जाए हे भगवान। तो तुमरे जी कौन दुखे, जो लिखा है तो तुमरे जी कौन दुखे, ये बहुत सही है एकदम। कुछ भी दुख नहीं है जिसको तुम दुख समझ रहे हो। जिसको दुख समझ रहे हो, कुछ भी दुख नहीं है भैया, कुछ दुख नहीं है। दुख तो ये है हमारे परिणाम कठोर हैं। दुख तो ये है, अरे रे रावण ने कौन को घड़ी में सीता के प्रति दुर्कल्पना की थी। दुख की बात ये है, सीता नहीं मिली ये कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन सीता उसके भीतर से निकली ही नहीं, ये दुख है। देह हमारे भीतर से निकलती नहीं है, यही हम है, यही हम है। अब बूढ़े हो गए, अब क्या करने, अब बूढ़े इनको को पूछा तू? अरे मूर्ख, बूढ़ों को नहीं पूछता और तुम ही बूढ़ों को माला डालते हो और बूढ़ों के पैर छूते हो, और पूछे बूढ़े ने कब पूछा था? इतनी दृष्टि है देह पर, देह पर, देह पर, तो जवानन को कब पूछे हो? ये कोई बात है, पूछ का संबंध, प्रतिष्ठा का संबंध, सुख का संबंध, ज्ञान का संबंध बालक युवा वृद्ध से है, मृत्यु का संबंध बालक युवा वृद्ध से है। देह को अपना मानने का कितना बड़ा, कितनी बड़ी सजा है ये समझ लो। वो गोबर की दरी लगी है, उसका फल क्या है? गोबर में तो सुगंध नहीं आएगी, लेकिन फूलों के बगीचे में सुगंध नहीं आ रही, सत समागम में शांति नहीं मिल रही, ये देह को अपना मानने का फल है। माने यहां बैठे हैं और तो भी यहां देव, ये देह को अपना मानने का फल है। माने कहां बैठे बोलो, कहां बैठे हैं हम, किसके सामने खड़े हैं? सतपथ साफ दिखाई पड़ता, खड़े सामने हैं भगवान, किसके सामने खड़े हैं? और वहां भी शांति नहीं है। मर गए, मर गए, मर गए, हर मरे, हर मरे, यह उपासना भगवान की, यह उपासना भगवान की, ये देह को अपना मानने का फल है। शब्दों में नहीं होते आज तक, तो वस्तु का स्वरूप वस्तु में होगा, शब्दों में तो कथन होगा। जिनवाणी में कथन है, हमने कही थी आपको, बही खाते में हिसाब है कि माल धरो, माल तो तिजोरी में धरा। देह में सुख नहीं है तो देह को अपना मानने वाला कभी सुखी भी नहीं हो पाता। देह को अपना मानने वाला अनुकूलताओं में भी दुखी, और अपने को आत्मा समझने वाला उपसर्गों में भी आनंदित सुखी। अपने को भगवान देखेगा तो भगवान जैसे आनंद का वेदन होगा, और अपने को देह देखेगा तो महादुखी होगा। जो करना हो सो करो, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। ध्यान रखना, इस शरीर का कोई दोष नहीं है, जो शरीर में अपनत्व बुद्धि हो रही है। अपने को आप रूप नहीं जाना, इसलिए अपने को शरीर अपना लगता है, और शरीर अपना लगता है इसलिए आत्मा सुनते हुए भी आत्मा अपना नहीं लगता। टोटोमल जी ने एक्सरा खींचा तुम्हारा, मानो किसी और देह, और उसको भिन्न ऐसे बताता है, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, जय हो, मजा आएगा, मजा नहीं आओ, वो पार्टी बुलाते
मजा नहीं आओ। देह भिन्न है ज्ञान भिन्न मजा आयो। अरे मजा शब्दों में नहीं है, मजा शब्दों में नहीं है। कहीं मत भटको, कहीं मत भटको। ध्यान रखना शरीर से भटकने की बात नहीं, उपयोग से भटकने की बात है। कहीं मत भटको, जहां हो वहीं अपने में सिद्धत्व की स्थापना करो। अपने को आत्मा देखे तो यही शांति है, और अपने को शरीर देखे तो कहीं शांति नहीं मिलना। जाओ कहां जाओगे, जाओ कहां जाओगे। संसार, संसरणम संसार, संसरणम माने खिसक जाना। काय से? सार से, सार से खिसके संसार खड़ा हो गया। बस आत्मा अतिंद्रिय आनंदमय है, आनंद का स्वाद आए बिना किसके बल से इंद्रियों को जीतेगा? दो चार नियम करने से नियम टूट जाएंगे। हमने तो नियम ले लो, हम बिना घी का खाएंगे, घी में बहुत आ सकती थी, हमने घी छोड़ दिया। बस क्या होगा? फिर तेल के पकवान बना, पूरी बनाए को मिष्ठान बनाए खाओ, अदला बदली करोगे। हमें तो बहुत अच्छा लगा अपने पति में संतुष्टि का नाम शील व्रत है, ऐसे ही अपने स्वरूप में संतुष्टि का नाम धर्म है। अपने आनंद में संतुष्ट हैं, बाद बाकी बाहर में जो उदय प्रमाण मिल गया सो ठीक है, उसको सहजता से प्रसन्नता से। जब यहीं तुम्हें कष्ट लगता है तो जंगल में कैसे जाओगे? निर्गंथ गुरुओं का समागम कैसे करोगे? घर से चाय नाश्ता ढह के ले जाओगे तो क्या घंटा रह पाओगे? सोचो। अरे यहाँ कोई इंतजाम नहीं, कोई दुकान फुकान नहीं है। शिखर जी जैसे महापवित्र क्षेत्र में जाकर के उन भीड़ों के यहाँ पीवा लेते चाय फाय, देखा तुमने? हो सही नहीं है। अभी बेचारे बेशराब पी रहे हो तुम, उनके हाथ की चाय पी रहे, और वहां का उठा करके वो डिस्पोजल का ढेर लगा दिया। ये पता नहीं हम कहां ठहरे। इस पवित्र भूमि पर बैठ करके मुनीश्वर, योगीश्वर, जिनेश्वर अपने अतिंद्रिय आनंद रस का पान करते हैं, क्यों भाई? वहां बैठ करके हमको भूख सताती है, प्यास सताती है, दर्द सताता है, ये क्या काय का फल है? देह को अपना मानने का। घोर उपसर्गों में भी दुखी नहीं होने देता, ये भेद ज्ञान का फल है। नियम साजी टीका में लिखा है, ये भेद ज्ञान का सत फल सदा बंधनी है। ये भेद ज्ञान रूपी वृक्ष का सत फल है। जिन धर्म वृक्ष की डार शिव फल है, जिन धर्म वृक्ष की डार शिव फल सोहत हैं। अब तुम संसार वृक्ष पर देखो मिलेगी हैं? नीम के पेड़ पे देखो तो कहूं आम लगे हो तो। अरे आम के फल आम के वृक्ष पर ही होंगे। ऐसा आनंद ऐसे योगियों को ही होगा, वेद ज्ञानियों को ही होगा। कैसा आनंद? सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह देखा जाने बेचारे। जय आनंद तिन अकथ जो आनंद लियो, किन्होंने? जिन परम पैनी सुबुध छेनी डार अंतर भेदिया। शरीर में रोग हो जाए जल्दी ठीक होना चाहिए, अभी ठीक होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, भक्ष उससे कोई मतलब नहीं है। रात दिन अभी ठीक आराम मिलना चाहिए,
और भेद ज्ञान अभी होना चाहिए, स्वानुभव अभी होना चाहिए, वैराग्य अभी होना चाहिए, वो नहीं सोचेंगे। हाँ, कभी सोच भी नहीं पाए। मिथ्वात आदिक भाव की चिरकाल से भावना, सम्यक तो आदिक भाव की पर की कभी न प्रभावना। एक लड्डू लाओ, रात में खाने की बात नहीं कर रहे बच्चों, रात में तो भोजन की चर्चा भी नहीं की जाती, ध्यान रखो। अब दृष्टांत दे रहे हम, रात में ही तो क्या करें। एक लड्डू लाओ, स्वाद लेकर के बताया, कोई भीतर मत रखना, स्वाद लेकर के बताओ, भीतर मत रखना, बोलो स्वाद आ सकता है। तो जब वो आत्मा की शरीर के दिव्या पर रखे बिना स्वाद नहीं आएगा, तो आत्मा के भीतर नहीं घुसता, आत्मा को स्वाद कैसे आएगा, सोचो। स्वाद कितनी देर का, जितनी देर जिभ्या पर रखा है, भीतर गया तो स्वाद नहीं और ऊपर रखा तो स्वाद नहीं। नेक देर का स्वाद, कहानी कौड़ी विषय सुख, भव दुख करज अपार, बिना दिए नहीं सोचे हैं, मैं बिना दिए नहीं छूटे हैं, ले सक दाम उधार। भैया विचार करो, खूब विचार करो, एक ओर संसार है, एक ओर मोक्ष, एक ओर कसायों का क्लेश है, एक ओर मुक्ति का साम्राज्य, शांति का शांति शांति शांति, एक ओर वो कुछ और, अपनी ओर शांति और पर की ओर संसार, क्लेश है। समंतवत स्वामी ने देह से भिन्न आत्मा देखना ये समाधि का उपाय बताया, और देह रूप देखना ये उपाधि का कारण है, व्याधि का कारण है, आदि का कारण है। संकल्प विकल्पों में पड़ा है, इन संकल्प विकल्पों में कौन डाला, कर्म डाल ले तुझे, ये परसव्य डाल ले संकल्प विकल्पों में, कौन हो जाए। विचार करो, बचपने की बात बताएं, कभी अंजना वगैरह की चरित्र पढ़ते थे, गुस्सा आ जाती थी कभी कभी, काय की गुस्सा आती, 22 वर्ष ये पवंजे पवंजे रट रही, आत्मा आत्मा क्यों नहीं रट रही, पंच परमेश्वर में क्यों नहीं रटती, पागल हो गई। अब ठीक है, बोधे का खेल अलग है, लेकिन हमको ये लगता था उस समय छोटे पे, नहीं बता तो पवंजे 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 को तेरी दरकार नहीं है, वो ठुकरा करके चला गया अपने, और ये पवंजे पवंजे हर पवंजे हर पवंजे हर पवंजे, ऐसी रटना कहीं शुद्ध आत्मा की लगाई होती, पंच परमेश्वर भगवान की लगाई होती तो, और पवंजे भी मिले तो काय के फल से मिले, जिन जिनेन्द्र भगवान की रटना लगाने के फल से, पवंजे भी कैसे मिले, किसने मिलाया और किसने अलग किया बताओ, अंजना से पवंजे को किसने अलग किया, वर्तमान में देखो बताओ, बढ़िया शब्द बोलो, यहां जो लिखा है पवंजे के भ्रम ने अंजना से पवंजे को किसने अलग किया, पवंजय के भ्रम ने, भ्रम ही तो हो गया था, ए चीज सुन रही है चुपचाप, मना भी नहीं कर रही, वो तो बिचारी संकोच में नहीं बोल पा रही, और उनको लग रहा बता ये चुपचाप सुन रही है, जय हो का कहो, अंजना से अलग करने में कारण का क्या था, पवंजे का स्वयं का भ्रम, और जब मिलने का काल आया, समय आया, तो पवंजे को अंजना से मिलाने वाला कौन था, चकवा चकबी का तो निमित्त बन गया, स्वयं का चिंतन सम्यक दशा में चिंतन हो गया,
विपरीत चिंतन ने अलग किया, सम्यक चिंतन ने मिला दिया। आत्मज्ञान से अज्ञान से होने वाला दुख आत्मज्ञान से मिटता है। दिखाए और यही तो दिखाए और क्या लिखा होता। अब बताओ, काल लब्धि बिना करोड़ उपाय करे तो भी सिद्धि नहीं, लिखा कलस्टी का। और देख लो अंजना रोज रटती रही, तमाम लोग समझाते रहे, क्या कर रहे हो बेटा, ए भैया क्या कर रहे, ए मित्र क्या कर रहे तुम, और अंजना को क्या काय को दंड दे रहे। अरे भैया क्या कहें, अंजना की ओर से देखो तो स्वयं की चुप्पी। अंजना को पवन जैसे अलग करने वाला कौन था, स्वयं की चुप्पी। बस चुप रह गए। अरे निषेधना चाहिए, राचन योग स्वरूप नहीं आपको विरचन योग स्वरूप, आप चुप क्यों हो, आप ये कहो शरीर हम नहीं है। अगर चुप हो तो ठीक नहीं है, शरीर आप स्पष्ट बोलिए, शरीर हम नहीं है, ये किसका है, क्यों क्यों बोले, चुप रहो ना बोला, ए किसका है, बोलता क्यों नहीं है, हमारा नहीं है। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। जय जिनेन्द्र बोलकर अपना मन खोलिए, जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलकर माने मैं आत्मा हूं ये बोलकर, ये कहां से आ गया कि जिनेन्द्र भगवान ने यही कहा है। जय जिनेन्द्र बोलते हो और जय जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए गए शुद्धात्मा का स्मरण नहीं करते तो क्या जय जिनेन्द्र बोल भी सका। ऐसी मजाक हैं ये तो, महावीर वस्त्र भंडार चार भंडार। अरे महावीर चाट और वस्त्र से क्या मतलब महावीर को, जय जिनेन्द्र मुंह से बोलने का मतलब ये है अपने को आत्मा अनुभवन करना, क्योंकि भगवान की यही आज्ञा है। कल पढ़ रहे थे हम परमात्म प्रकाश ऊपर सवेरे, हे भाई तू किसी दूसरे तीर्थ में मत जा, दूसरे गुरु की उपासना मत कर, दूसरे देव का चिंतन मत कर। दूसरे माने क्या कह रहे आप, कि वो आत्मा को छोड़कर, आत्मा ही तीर्थ है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही देव है, उसको छोड़कर के तू कहां भटकता है। महाराज व्यवहार नए, अरे व्यवहार नए तब है, व्यवहार नए तब है जब आत्मा की ओर नजर होता हो। बड़ा सज्जन आदमी उसने बचा लिया, अरे सज्जन तो तब है जब वो तुम्हारे तुम्हारे घर पहुंचा दे, उसने बीच में लूट लिया तो सज्जन काहे का, क्यों भाई बताओ। दृष्टांत दिया था ना, ए सुनो बच्चों, चार लुटेरे खड़े तो दो अलग हो गए, और दो वो लड़की जैसे ही आई तो वो दो लुटेरे आकर के खड़े हो गए, सीधी बैठ, और दो स्कूटर पर बैठ के सीधे चले आए भग करके। क्या बात है, क्या करते हो, हटो यहां से भगो, चले गए आराम से। और दो लड़के, बहन जी ऐसे आप चल देती हैं, ऐसे ठीक नहीं है, और आप बैठो स्कूटर पर, हम आपको आपके घर छोड़ देंगे। बस जा करके पहुंच गए, और वे पहुंचे दो वे खड़े, दो वे खड़े, पुण्य पाप मिल दो पवन बेड़ी डारी, पुण्य पाप मिल दो पवन बेड़ी डारी, इनमें भला कोई नहीं है, भला तो पर द्रव्य से भिन्न, आप में रुचि सम्यक तो भला है। विचार करो, देह को अपना मानने का फल भला कैसे हो सकता है। जब देह भली नहीं है तो देह को अपना मानने वाले का भला कैसे होगा। देह सुख रूप नहीं है तो देह को अपना मानने का फल सुख कैसे होगा।
पढ़ते हुए सुनते हुए घर में तीर्थ में मंदिर में जहां कहीं खड़ा हो, ये देह में अपनत्व बुद्धि कहीं उसको सुखी नहीं है। कभी तुमने देखा है वो कुत्ते को कीड़े फीड़े पड़ जाते हैं, जहां खड़ा हो वहीं चारों तरफ होता है, जहां खड़ा उसको वहां तड़पने लगा वहां तड़पने लगा। ऐसे ये देह को अपना मानने वाला जीव स्वर्ग में भी तड़पता है, सुखी नहीं होता, तड़पता है। विषय चाह दावा नल दहो, मरत बिलाप करत दुख सहो। कितनी रानियां थी रावण के, और वो तड़फ रहा है, तड़फ रहा है। रनवास जैसा का तैसा, राज सिंहासन तैसा का तैसा, राजसभा जैसी की तैसी। नाड़ी देखियो बैठ जी, कछु नहीं, कोई रोग नहीं है, जैसे का तैसा। और फिर तड़फ रहा है क्यों? सीता ऐसे ये देह को अपना मानने वाला जीव निरंतर तड़फ रहा है। नरक गति के दुख पढ़ो छह डाला में से, पढ़ो तो एक भी आत्मा में बता दो तो सिद्ध करो तो हमें बताए। असंकलेश भावते मरे घोर सभ्र सागर में पढ़े। अब वहां से शुरुआत हो गई नरक गति की, पढ़ना आ गई। अब जिसमें इस परसा नहीं, नहीं वो परसेगा का जी बता। तहां भूमि परसत दुख इसो, बीछू शेष डसे नहीं तिसो। तो भूमि इस पर्सन का फल, दुख किसको होगा जिसके इस पर्सन इंद्री होगी? बोलो आप, चलो आगे। क्रम कुल कलित आत्मा दायिनी, बता दिखाओ तो बता दे। देहदारी, अब देह को अपना मानेगा तो चलेगा। तिल तिल करें और पढ़ो आगे जो तुम्हें पढ़ाया है। अरे ये थोड़ी पढ़ाने, ये तो किताब में लिखो ही तुम्हारी में। तिल तिल करे देह के खंड, तो भी आत्म रहे अखंड। सदा काल अखंड है वो, अखंड 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 अखंड। अब उस अखंड को नहीं देख पाए, तिल तिल करें देह के खंड, देह के खंड तुम का परेशानी कर रहे। अब हम जाके खंड खंड कर दें, इस चीज हमें क्या फर्क पड़े वो बोलो। तो देह के खंड होने पर देह से, जिनकी देह दृष्टि नहीं है, देह में अपनापन नहीं है, देह से भेद ज्ञान है, उनको क्या फर्क पड़े वो करो भाई। छिदाय आवेदाय को ले जाय नष्ट बनो भले, या अन्य को रीत जाए पर जब मेरा नहीं, अरे नहीं है नहीं है नहीं है। उसको फल, उसका फल वितरागता है। क्या काय का फल? देह से भिन्न अपने को आत्मा समझने का फल, और देह को अपना समझने मोह है। और उसका फल क्या है? अनंतानुवंदी राग द्वेष। और उसका फल क्या है? अनंत दुख। हे भाई, अगर दुखी नहीं होना हो तो आचार्य देव के शब्दों में बोलो, देह और आत्मा की भिन्नता का ऐसा अभ्यास करो, ऐसा संस्कार डालो अपने भीतर, ऐसी लकीर खींचो कि स्वप्न में भी देह अपना भाषित न हो। ये लिखा है स्वप्न में भी अपना देह वा। देह अपना भाषित हुआ क्यों भाई? एक बेईमान सेठ की कितनी पूंजी के बेकार कंगाल हो गया। जिस दिन उसके नियत में खोट आई, बेईमानी आ गई मन में, समझ लो खराब हो गया, सब काम खराब हो गया, कंगाल हो गया। एक दृष्टांत लिखा है तुम्हारी पुस्तक में, छोटी में लिखा है कि नहीं? एक गांव का आदमी कच्ची दुकान अपने आराम से काम करता है, पर अपने सामान सब रख लेता है, बेचता है।
बरसात ज्यादा हो गई, कच्ची दुकान गिर गई। अब क्या करे बेचारो गरीब आदमी। तो दूसरे गांव में बगल में एक साहूकार अपना मदद करता था, अच्छे थोड़े मंद परिणामों का था। उन्हें भैया तुम वहां चले जाओ, वहां से ले आओ 5 रुपया। तो अपन पहुंचा, सेठ जी बरसात में गांव दुकान गिर गई, दुकान गिर गई, एकाध सामान गिर गया तो कोई बात नहीं, दुकान ही गिर गई, अब कमाएंगे किसके सारे, सामान बिक गया, बह गया, नुकसान हो गया। अच्छा भाई ठीक है, तुम शराबा कहो चलो कोई बात नहीं, कितने रुपये चाहिए? 5,000 रुपया दे दो, 5,000 दे दो, दे दो इसको 5,000। उन्होंने दे दिया, ना लिखा पड़ी, ना कछु नाम, ना कछु नहीं। अब 5,000 रुपया लेके जेब में और चला चला रहा। बोले सेठ ने लिखे तो है नहीं, हम नहीं दें तो क्या करेंगे, कौन से ले लेंगे, उन्हें लिखे ही नहीं, कहूं लिखा पड़ी ही नहीं है। आकर के थोड़ा पेड़ के नीचे सोने का भाव आ गया, पोटली नीचे रख करके रुपयों की और सो गया। उठा उन्हें नहा दो, नदी यही है, तो बस कपड़ा उतार कोई दरे बाप और नहा लिया। एक भैंस आई, उसने गोबर कर दिया उस पोटली पर। अब भैंस का गोबर इतना, पोटली इतनी, सुबह ढक गई, वो ढक गई सुबह सब। अब इतने देखे उतरे देखे रुपया कहाँ गए, चलो चलो यारो। अब उसके दिमाग में आया, अरे हमारी नियत में खोट आ गई, अब क्या करेंगे, तो बहुत खराब हो। फिर दोबारा लौट करके पहुंचा, सेठ जी रुपये तो खो गए, जाने कहाँ गए पता नहीं पड़ा। बोली तो और ले जा भाई, कोई बात नहीं, और दे दिए। अब रास्ते में विचार करता आ रहा, सेठ जी के होने पर पहले बारी और जी सबरी अदा करेंगे, उनकी सज्जनता है, उन्होंने नाम नहीं लिखा तो हम थोड़ी भूल जाएंगे। फिर जिसकी जहां खोती है वहां देखता तो है ही, तो देखने लगा देखने लगा देखने लगा, तब तक थोड़ा गोबर पे पैर पड़ गया, ए पोटली तो ज्यादा ही। नियत का फेर, केवल नियत का फेर, इस संसार में भी वस्तु का ही फेर है। देह को अपना मानना एक पार्टी ये है, और एक आत्मा को अपना जानना, देह से भिन्न जानना दूसरी पार्टी, ये कौन सी पार्टी माने सो आ जाओ। ये समाज तंत्र है, वो ब्याजी तंत्र है। देह को अपना मानने को तमाम व्याधियां उपाधियां लगी हैं, आज संकल्प विकल्प चल ही रहे हैं। और देह से भिन्न आत्मा जानने वाले को समाधि समाधि शांति का होगा, के कछु नहीं हो, का कही के कछु नहीं कही। ध्यान रखना, व्यवहार के अनादर की बात नहीं कर रहे हम, तो परमार्थ की बात कर रहे। ऐसे ज्ञानी जीव का व्यवहार कितना उज्जवल होगा, कितना उज्जवल होगा, जितना हो सकता है जहां तक हो सकता है उज्जवल ही उज्जवल होता जाए। जब मैला कपड़ा धुल करके साफ हो गया, उसको रंगेंगे केसरिया रंग में, कैसा रंग छपेगा। अब मैले को रंगत रहो तो का रंग आएगा, भूधर नील बसन पर कैसे केसर रंग उछलना रे, अंतर उज्जवल करना रे भाई, अंतर उज्जवल करना रे। ये कमरा में उजालो करो तो कैसे करोगे, यहां से ले जाकर के उजाले रखोगे? अरे उजाले का मतलब है वहां दीपक जलाओगे। तो ऐसे अंतर को उज्जवल कैसे करोगे, उसमें वेद ज्ञान का विराय होगा तो उज्जवल हो गया। ज्ञान उज्जवल है, राग मलिन है, राग करोगे तो मलिन होगा, ज्ञान करोगे तो उज्जवल हो जाएगा। विचारना, बारंबार अभ्यास करना, इस अभ्यास के द्वारा अनंत सिद्ध सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं।
यहाँ से लेकर सिद्ध दशा तक बुद्धि पूर्वक एक ही पुरुषार्थ है वेद ज्ञान का, और दूसरा पुरुषार्थ नहीं। वेद ज्ञान करते जाओ हैं, मुक्त मार्ग में बढ़ते जाओ। क्या कहा? वेद ज्ञान करते जाओ मुक्त मार्ग में। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोहि जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान लोकालो सो वाणी न सके सदा।